उदाहरण 11, कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 रुपये का मिश्र धन डेढ़ वर्ष में 1,331 रुपये हो जाएगा यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाए। उदाहरण 11, हल। इस प्रश्न में हमें मूलधन के रूप में जो राशि दी गई है वह है 1,000 रुपये। इसके पश्चात समय है डेढ़ वर्ष, परंतु यह भी कहा गया है कि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक है। इसका मतलब यदि हम इसे अर्धवार्षिक में बदले तो डेढ़ वर्ष के लिए हमें मिलेगा 3 अर्धवार्षिक। दर हमें ज्ञात करनी है क्योंकि प्रश्न में पूछा गया है कि कितने प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, तो दर बराबर ज्ञात करना है। और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर मिश्रधन की भी का भी जो मान है वह दिया गया है, और मिश्रधन है हमारे पास 1,331 रुपये। दर ज्ञात करने के लिए हम मिश्रधन के ही सूत्र का प्रयोग करेंगे। हम जानते हैं कि मिश्रधन A बराबर होता है मूलधन P एक धन R बटे 100 और पूरे की घात N जो कि समय है। चलिए इसमें मान रख लेते हैं। मिश्रधन हमारे पास है 1,331 रुपये, मूलधन है 1,000, एक धन R का मान हमें ज्ञात करना है इसीलिए अभी इसे हम R से ही व्यक्त करेंगे 100, और n चूंकि अर्धवार्षिक गणना है तो n का मान हमने निकाल कर रखा हुआ है 3। चलिए आगे हल करते हैं। हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ था वह है मिश्रधन 1,331 रुपये बराबर मूलधन 1,000, एक धन R बटे 100 और पूरे की घात 3। यहाँ से हमें R का मान ज्ञात करना है तो इसे हल करने के लिए पक्षांतर कर लेते हैं। 1,331 बटे पक्षांतर से ये हो जाएगा 1,000, और यहाँ हमें मिलेगा एक धन R बटे 100 पूरे की घात 3। उसके बाद यहाँ पर देखिए हमें निकालना है R का मान। R का मान निकालने के लिए पहले इन दोनों को दोनों पक्षों को इस रूप में रखना होगा कि इसकी घात रूप जो होगी वो समान हो जाए। तो घात कितनी है यहाँ पर 3। हमें बाएं पक्ष को भी इस प्रकार लिखना होगा कि यह घात 3 के रूप में दिखाई दे। इसके लिए हर में हम देखते हैं कि 1,000 दिया हुआ है, 1,000 यानी कि इसे 10 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। इसी प्रकार 1,331 के लिए भी देखना होगा कि यह किसका घन है, तो हम देख सकते हैं कि यह 11 गुणित 11 से प्राप्त होगा, और हर जो है उसे लिखा जा सकता है 10 गुणित 10 गुणित 10, एक धन R बटे 100 पूरे की घात 3। यह हमारा दायां पक्ष है। अब इसे किस रूप में लिखा जा सकता है, 11 बटे 10 पूरे की घात 3, और इस पक्ष में होगा एक धन R बटे 100 पूरे की घात 3। अब चूंकि दोनों पक्षों के घाते समान हैं तो उनका आधार भी समान होगा, यानी कि दोनों पक्षों में घात समान होने पर आधार बराबर होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि 11 बटे 10 जो है वो बराबर है एक धन R बटे 100 के। चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा कि दोनों पक्षों की घात समान है इसलिए उसका आधार समान होगा, और इससे हमें प्राप्त हुआ था 11 बटे 10 बराबर एक धन R बटे 100। चलिए इसे आगे और हल करते हैं। 11 बटे 10 ऋण 1 बराबर R बटे 100, यहाँ से हमें मिलेगा 11 ऋण 10 बटे 10 बराबर R बटे 100।
यानी कि ये हो गया 1/10 बराबर r/100। तो r का मान निकालने के लिए हम इसे आगे और हल करें तो हमें मिलेगा r बराबर 100/10, यानी कि r का मान हो गया 10%। यह हमारी गणना जो है वह अर्धवार्षिक है। अब चूंकि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की गई, है तो जब अर्धवार्षिक में हमारे पास दर कितनी आई है 10%, तो जब इसे हम वार्षिक करेंगे तो क्या होगा, वह इसका दुगुना। अतः आर जो होगा वार्षिक रूप में हम लेंगे तो आर बराबर होगा 10×2 बराबर 20% वार्षिक, और इस प्रकार हमें आर का मान प्राप्त हो गया और प्रश्न हल हुआ।